Good morning everyone. Up to now what we have discussed deeply about the plant kingdom. हमने जो plant kingdom था, ठीक है, हमने जो five kingdom classification system में chapter second में monera, protista, fungi ये तीन kingdom तो उनके बारे में detail study किया. फिर उसके बाद chapter third में हमने plant kingdom के बारे में detail study किया कि plant kingdom जो categories थे, five categories थे, phylogenetic means algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm के बारे में study किया. अब जो हमारा लास्ट किंगडम था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्कस की एनिमल किंगडम, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो कंप्लीटली क्या है, वो जो हमारा न्यू चैप्टर है वो क्या है, इट इज द एनिमल किंगडम, दैट इज द किंगडम ऑफ एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, फिर अगर इस किंगडम के बारे में अगर जानना है हमें तो इस किंगडम में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन करने होंगे. ठीक है, जो इसमें ढेर सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स यहाँ स्पीसीज जो मौजूद हैं इस अर्थ पे, उन्हें हमें उनको समझने के लिए कुछ हमें उसमें उन्हें भी क्लासीफाई करना होगा. लेकिन किस कुछ बेसिस को उन्हें क्लासीफाई करेंगे, कुछ पॉइंट्स को सामने रखते हुए उनमें क्लासिफिकेशन की प्रोसेस हमें करनी है. और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं उसमें क्या है, हमारा इस चैप्टर में पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम किस किस बेसिस पे, ठीक है, किस किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, या जो एनिमल का किंगडम है उन्हें हम किस किन 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 पॉइंट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए. अब उसमें कुछ भी हो सकते हैं, बॉडी सिमेट्री हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो सकते हैं, नेचुरल पैटर्न्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव पैटर्न्स हो सकते हैं, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो सकता है. और इन्हीं सभी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे. एनिमल को हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करके उसके हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पहले किस पे डिस्कस करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम में. इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं हम ये तो जानते हैं कि सारे के सारे एनिमेलिया जो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनके सम ऑफ देम हैव सेम पैटर्न एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बट सम हैव डिफरेंट. उनमें से कुछ के पास जो पैटर्न ऑफ सेल है वो कुछ के पास अलग है, तो कुछ के पास सेम है, कुछ के पास डिफरेंट है. जैसा कि अगर स्पंजेस की बात करें, उनमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेट होते हैं, वो लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. बट कहीं कहीं सम डिवीजन ऑफ लेवल एक्टिविटीज ऑकर अमंग द सेल, कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स में या सिलेंट्रेट्स में देखा गया कि कुछ सेल्स एक जगह अरेंज होते हैं. ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज टुगेदर फॉर ए डिफिनेट फंक्शन, कुछ सेल्स होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है और वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, सेल्स क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उन ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है. एट स्टिल हायर लेवल, अगर हम उससे भी हायर लेवल पे बढ़ें तो हमें ऑर्गन लेवल सिस्टम मिलता है, जहाँ क्या होता है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ प्लैटिहेल्मिंथ्स में या अदर फाइला में अगर ध्यान से देखें हम, तो जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो एक साथ जुड़ के क्या करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. और एक ऑर्गन वो क्या करता है, वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है, फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करता है. ठीक है, इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड स्कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम. ई सिस्टम कंसर्न विद स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम फंक्शन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
और तो और अगर उससे भी आगे बढ़े जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में अगर देखें, चाहे कार्नोटम्स या कॉर्डेटा में देखें, तो जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो सारे ऑर्गन जिसमें मौजूद होंगे वो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर एग्जांपल के अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो जितने भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लैटी हेलमिंग्स में, फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटी हेलमिंग्स हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। जैसा कि अगर प्लैटी हेलमिंग्स में देखें तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, वो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। बट इन हायर ऑर्गनिज अगर उसी की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो अगर हायर ऑर्गनिज की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें माउथ और एनस दोनों डिफरेंट होता है, टू ओपनिंग्स होते हैं, माउथ ओपनिंग होता है और एनस ओपनिंग होता है। इससे क्या होता है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करता है। अगर वही बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। जो पहला ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट हार्ट से पंप करके उसमें जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं, मीन्स उनमें कोई डिफरेंट ट्यूब्स या कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। बट जो सेकेंड सिस्टम है इट इज द क्लोज्ड वन, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टिश्यूज। ब्लड सर्कुलेट थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनमें क्या होता है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो अलग अलग डायमीटर की ट्यूब्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो तीन टाइप्स चार टाइप्स मिले, जो हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन चार बेसिस के रख के क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलोंग विद दैट, इसके साथ जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है क्लासिफिकेशन के बेसिस का जो दूसरा पार्ट है वो है सिमेट्री का, ठीक है, कि कैसे ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म के सिमेट्री पे ध्यान देके कैसे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, तो एनिमल्स को कैसे सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लांट दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। अगर हम स्पंजेस की बात करें तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्लेन ऐसा उनमें नहीं होता है जो उनके सेंटर से गुजर जाए, उनके बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर दे। बट लेकिन उसी के साथ साथ व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। लेकिन वहीं अगर कोई भी प्लेन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से गुजरे और उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे एनी प्लेन, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसा कि इसमें सिलेंटेट्स, स्टेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में हमें देखने को मिलता है जिनके पास ढेर सारे बॉडी प्लेन्स होते हैं। वहीं लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, उनमें क्या होता है, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एनिलिडा हुए, आर्थ्रोपोड हुए, ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, सिर्फ सिंगल प्लेन होता है जो उनके बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। इस तरह के सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो जो सिमेट्री की बेसिस है क्लासिफिकेशन, इसमें टू बेसिस हैं, वन इज द रेडियल बेस रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड वन इज द बायलैटरल सिमेट्री। द थर्ड पॉइंट फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं एनिमल्स, इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एग्जांपल सीलेंटेट्स।
सिलेंटेट का डिक्लोप्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिलेंटेट, जिसमें क्या होता है जो सेल होती है वो दो लेयर में डिवाइडेड होती है, ठीक है, एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, ठीक है। एक लेयर एक सेल की लेयर ये हो गई आउटर लेयर ऑफ द सेल व्हिच इज नोन एज इक्टोडर्म, ठीक है, एंड इनर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज एंडोडर्म, जिसमें से दो लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बट वहीं अगर इसमें कुछ जो मिडल सेल्स फॉर्म हो गए, एक मिडल लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, सॉरी एंडोडर्म यहां से होगा, ठीक है, अगर ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला पोर्शन था जो इसमें भरा हुआ था डिप्लोप्लास्टिक में, अगर यहाँ भी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो ये सेल जो फॉर्म होंगी ये मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, और मेसोडर्म को कंसिस्ट करते हुए थ्री लेयर्स हो जाएंगी, जैसे कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इस लेयर को हम डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इन द एंडोडर्म। The animals in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm in between ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, for example platyhelminths or chordates। उन एनिमल्स में जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास एक थर्ड जर्मिनल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, जिसे हम मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, और इस उन जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से जानते हैं, जिससे जैसा कि प्लेटीहेलमिंथ्स और कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिक्लोब्लास्टिक बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लासिफिकेशन का बेसिस था। द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इज द शिलोम। शिलोम इज नथिंग बट ए बॉडी कैविटी, शिलोम और कुछ नहीं है, एक बॉडी कैविटी है, प्रेजेंस ऑफ और ऑब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। क्या लिखा है, जो कैविटी होती है, इस प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द, ये कैविटी कहाँ पाई जाती है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है, ये बहुत ही जरूरी है किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, और इसी ये बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सिलोम कहते हैं। एनिमल पजेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स, जिन एनिमल्स के पास सिलोम होता है, जो बॉडी कैविटी होता है, उस उन एनिमल्स को हम सिलोमेट्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं कुछ एनिमल्स के पास द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेसोडर्म, उनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से नहीं लाइन होती है, इंस्टीड ऑफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उनमें क्या होता है, जो ये मेसोडर्म होता है वो स्कर्ड पाउचेस के फॉर्म में होता है, मीन्स अलग अलग पाउचेस के फॉर्म में होता है, रेगुलर फॉर्मेशन नहीं होती है, पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है, इस पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है, पैचेस के फॉर्म में होता है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। उस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं, और जो एनिमल्स उस स्यूडोसिलोम होते हैं उन एनिमल्स को हम स्यूडोसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि एसके हेलमिंथ्स में देखने को मिलता है। और कुछ और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को हम एसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, अब्सेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिंथ्स। द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ एनिमल्स में क्या होता है ना, बॉडी उनकी होती है वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिसको वो सेगमेंट्स सीरियल रिपीटेशन मीन्स एक के बाद एक सेगमेंट वहाँ पाए जाते हैं, और तो और लिस्ट सम ऑर्गन्स, वो सेगमेंट्स क्या बियर करते हैं, कुछ ऑर्गन्स को भी बियर करते हैं, जैसा कि अर्थवर्म में देखने को मिलता है।
द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो ऑर्थोम में सेगमेंटेशन का मेथड हमें देखने को मिलता है उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं और उस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो ये जो सेगमेंटेशन है ये किसका है, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोपॉड। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोपॉड, नोटोपॉड जो है वो लास्ट है, वो लास्ट पॉइंट है अंडर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस के लिए जो नोटोपॉड है वो लास्ट पॉइंट है, उसमें क्या होता है, नोटोपॉड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये मेसोडर्म की लेयर से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। वो कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड में बनता है। कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कुछ एनिमल्स में होता रहता है तब वो फॉर्म करता है डॉर्सल साइड पे। एनिमल्स विद नोटोपॉड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और जिस एनिमल्स के पास नोटोपॉड होता है उन्हें हम कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं, और जिसके पास नोटोपॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि पोरीफेरा और इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, जो पोरीफेरा और इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके पास नोटोपॉड नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किए हैं, किस किस पॉइंट्स पे क्लासीफाई किए हैं, कैसे किए हैं। और जो एनिमलियल क्लासिफिकेशन है बहुत ही ब्रॉड है। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स मेंशनिंग इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस। और क्या है, उसका जो क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड है और ये प्रीसीडिंग सेक्शन में मेंशन किया गया है। और तो और उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, जो हर एक फाइलम को अलग अलग बना शो करते हैं, वो भी बताए गए हैं। सो हियर इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फीचर फंडामेंटल फीचर। ये क्या है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया का, कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे है। इसमें क्या है, जो फीचर्स हैं उसमें क्या क्या है, किंगडम जो एनिमेलिया और किसके बेसिस पे फंडामेंटल फीचर्स उसके क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, सिलोम है, और फिर लास्ट है जो फाइलम है वो डिवाइडेड है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो एनिमल के एनिमेलिया है वो क्या किंगडम एनिमेलिया है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो एनिमेलिया किंगडम है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, और जो दूसरा है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो दूसरा, इसमें तीन सिस्टम्स आते हैं, तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। कौन कौन से हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, ये किसमें डिवाइडेड है, ये सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज करता है, विच इज द सिमेट्री, जो कि दो सिमेट्री में डिवाइडेड है। वन इज द रेडिकल सिमेट्री, रेडिकल सिमेट्री में दो फाइलम्स आते हैं, वन इज द सिग्लेंटेटा एंड सेकेंड इज द स्टीनोफोरा। ठीक है, स्टीनोफोरा। और जो बाइलैटरल सिमेट्री है, ठीक है, जो बाइलैटरल सिमेट्री है इट फर्दर डिवाइड्स ऑन द अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द सिलोम इनटू थ्री पार्ट्स, ए सिलोमेट, सिरो सिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। मीन्स ए सिलोमेट्स मीन्स जिनके पास सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी नहीं होती है, एब्सेंट होती है। सीडो सिलोमेट्स मीन्स जिसके पास फॉल्स सिलोम्स होते हैं, ट्रू सिलोम्स मीन्स कंप्लीट सिलोम्स नहीं होते हैं, फॉल्स सिलोम्स होते हैं, उन्हें सीडो सिलोमेट्स के नाम से जाना जाता है। और जिनके पास सिलोम होती है मीन्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गेन्स को सिलोमेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए सिलोमेट्स वाले ऑर्गेन्स को फाइलम प्लेटीहेल मीन्स के फाइलम में रखा गया है। सिलोमेट्स के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास फॉल्स सिलोम होता है उन्हें एस्केहेलमिंथ्स के फाइलम में रखा गया है। और उन ऑर्गेनिज्म को जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सिलोमेट्स होते हैं मतलब सिलोम प्रेजेंट होता है, उनको सिक्स फाइलम में डिवाइड किया गया है। उनका जो पहला फाइलम है एनेलिडा, सेकेंड वन इज द आर्थ्रोपोडा, थर्ड वन इज द मोलस्का, फोर्थ वन इज द इकाइनोडर्मेटा, फोर्थ वन इज द हेमिकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन इज द कॉर्डेटा।
तो ये जो पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रॉड एनिमल क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे है। फंडामेंटल फीचर्स में क्या क्या आते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, सीलोम हो गया, फाइलम हो गया, और इन सभी के बेसिस पे एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, टोटल 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। वन इज द पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टोनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ्स, एस्केहेलमिंथ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो ये सारा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, ये बहुत ही ब्रॉड है, और ये फंडामेंटल बेसिस पे यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन मैंने करके दिखा दिया है कि कैसे, सॉरी ये प्री डिस्क्राइब्ड है, मैंने नहीं किया है, साइंटिस्ट ने किया है, मैंने बस यहाँ रिप्रेजेंट किया है, आई जस्ट रिप्रेजेंटेड इट हियर। और कैसे किस किस कौन किस किस बेसिस पे किस किस फाइलम को कैसे डिवाइड किया गया है, किस फाइलम में क्या आता है, वो फाइलम में क्या क्या पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको यहाँ शो हो रहा है। सो एनिमल एनिमलिया जो किंगडम है उनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीरोम और फाइलम, इस तीन चीज़ों पर डिवाइड करके 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उनमें क्या क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल आता है, टिश्यू लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। सिमेट्री में दो तरह की सिमेट्री आती है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। और सीलोम में ए सीलोमेट्स जिनके पास सीलोम होता ही नहीं है, सीडो सीलोमेट्स जिनके पास फास्ट सीलोम होता है, और सीलोमेट्स जिनके पास सीलोम या बॉडी कैविटी होती है, इन्हीं सब के बेसिस पे उन्हें 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सो हियर इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम और बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।